नमस्कार। आज हम हमारी गुरु आदरणीय पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में उनका समस्त शिष्य परिवार मिलकर उनको अपने स्वरों की अंजलि स्वरांजलि भेंट कर रहे हैं, उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हम उन्हें प्यार से अप्पा भी कहके बुलाते हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ काशी विरासत फाउंडेशन, देवी प्रतिध्वनि और श्रीमती सुधा दत्ता जी को, जो कि उनकी सुपुत्री हैं। और विशेष रूप से उनका आभार, क्योंकि उन्होंने मुझे इस श्रृंखला में शामिल होने का सुअवसर दिया है। और आज मैं आपके सामने अप्पा के साथ बिताए हुए मेरी जो यादें हैं वो मैं शेयर करूंगी। जैसा कि आपको विदित है, अप्पा जी एक बहुत ही महान कलाकार थे और बहुत ही दिव्य कलाकार थे। उन्होंने कठिन तपस्या के साथ सिद्धि प्राप्त की थी और ये एक आसान बात नहीं है। बिरले ही कलाकार ऐसे होते हैं, सदियों सदियों में जन्म लेते हैं, जो जिनको सिद्धि प्राप्त होती है और जो कुछ ऐसा काम अपना छोड़ के जाए कि मैं समझती हूँ अप्पा जी का जो काम है वो एक रेफरेंस वर्क है। और आने वाली पीढ़ियां, कई पीढ़ियां सदियों तक इस तरह के काम को अपना रेफरेंस मानेंगी, तो ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ मैं ये भी समझती हूँ कि अप्पा जी ने पूरे विश्व में संगीत को अपने शिष्यों के द्वारा, बहुत सारे उनके शिष्य हैं और उन्होंने संगीत को और हमारी भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है इसका संवर्धन किया है। आज उनके शिष्य परिवार में बहुत सारे अच्छे कलाकार गा बजा रहे हैं और हमारी इस धरोहर को संभाल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं आज अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ तो आई फील इट्स अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कोई आसान बात नहीं है कि आपने बीजारोपण से लेकर और जब तक वो वृक्ष बनता है तब तक सही मार्गदर्शन करके एक व्यक्ति विशेष का जीवन बनाया और अपना योगदान दिया। इस तरह से अप्पा जी ने कई जीवन बनाए हैं, तो एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ उनका योगदान है। इसके साथ साथ मैंने अप्पा जी को जैसे एक महान कलाकार के रूप में तो जाना ही, एक बहुत ही सरल सादगी से भरी हुई, उदार हृदय की ममत्व से भरी हुई वो इंसान थी। और ऐसे तो हम मानते हैं कि हमारे गुरु कभी भी कहीं जाते नहीं है, हमारे साथ होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन हमारा करते रहते हैं, ये हम मानते हैं। एक बार की बात है, मैं उनके पास जब सीख रही थी तो सिद्धि क्या होती है इसका प्रमाण मुझे मिला। वो मुझे एक कजरी सिखा रहे थे। झिर झिर बरसे सावन रस बूंदिया की आई गई लेना, अब बरखा बहार के आई गई लेना। तो अप्पा जी कहते हैं देखो बेटा धूप निकली हुई है, अभी थोड़ी देर में बारिश होगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये कैसे संभव हो सकता है इतनी तेज धूप निकली हुई है। और आप यकीन जानिए विद इन एन आवर और सो रिमझिम बरसात होने लगी और वो कजरी गाते गाते ही प्रकृति को आना पड़ा। और ऐसी अप्पा जी की सिद्धि हमने देखी है साक्षात अपनी आंखों से, और एक बार नहीं कई बार इसका प्रमाण मिला है। इसके साथ साथ ही मैं आपसे बताना चाहूंगी कि कैसे मैं अप्पा जी के पास आई। दरअसल बहुत पहले मैं दिल्ली में रहती थी और वहां पर एक महफिल में मैं गा रही थी, उसमें अप्पा जी का आना हुआ। महफिल के बाद उनकी सुपुत्री मुन्नी दीदी ने मुझे कहा कि अप्पा से सीखो, अप्पा के पास सीखना चाहिए। तो मैं यकीन ही नहीं कर पाई और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे जीवन के लिए। और मुझे इस बात का मलाल है कि मैं उस समय उसको पूरा नहीं कर पाई और मैं उनके पास नहीं जा पाई सीखने के लिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी।
बहुत साल बाद बम्बई आना हुआ और मैंने 11 वर्षों तक गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी ताया मोनकर जी के पास ख्याल की और बहुत अलग अलग तरह की विधाओं की शिक्षा ली। एक दिन अचानक ताई कहते हैं कि बेटा आप ठुमरी सीखोगे। तो उन्हें पता था कि ठुमरी के प्रति मेरा एक भाव है और अप्पा जी के प्रति भी एक भाव मेरा एक मन के अंदर कहीं था दबा हुआ कि मैं कभी उनसे सीख पाती। तो ताई गेव मी विंग्स टू फ्लाई एंड उन्होंने कहा कि हमारा आदेश है आप जाओ और हमें लगता है कि अगर कोई ठुमरी सिखा सकते हैं और वाकई में ठुमरी को संभाले हुए हैं तो वो केवल आपा हैं। और ताई उन्हें प्यार से आपा बुलाते थे और बहुत उनका सम्मान करते थे और बहुत प्यार करते थे उनको। तो एक देवी ने मुझे दूसरी देवी के पास भेजा, ये मैं सौभाग्य समझती हूँ अपना। फिर इत्तेफाक से अपा जी का मुंबई आना हुआ और मैं उनसे मिलने के लिए गई ताई की परमिशन लेकर। तो अपा जी के पास जो गुरु शिष्य परंपरा में एक शिष्य को एक्सेप्ट करने की जो सेरेमनी होती है वो हो जाने के बाद पहले ही मुलाकात में अपा जी ने मुझे कहा कि 2-3 घंटे के बाद हमारा एक कॉन्सर्ट है षणमुखानंदा में, तो आप हमारे साथ आवाज लगाएं। तो ये मेरे लिए बड़े ही आश्चर्य की बात, क्योंकि अमूमन काफी साल सीखने के बाद ही गुरु ये मौका आपको देते हैं। तो मैं समझती हूँ मेरे दोनों ही गुरुजनों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। और अप्पा जी ने मुझे स्टेज पे लेके अपने साथ मुझे गाने का भी मौका दिया और इसके बाद धीरे धीरे उनके साथ गाना सीखने की एक जो मेरा एक क्रम शुरू हुआ। देखिए किसी भी कॉन्सर्ट में या परफॉर्मेंस में तबला हारमोनियम उसका इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। अभी लॉकडाउन के चलते ये पॉसिबल नहीं है तो हम बिना उसके ही कोशिश कर रहे हैं केवल तंबूरे के साथ में। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए कि जस्ट आपको एक बड़ा सा कैनवस मिला है, आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि अभी मुखड़ा पकड़ना है, संग पर आना है। जस्ट कीप ऑन डेल्विंग डीपर एंड डीपर एंड ट्राई टू एनहांस योर क्रिएटिविटी। तो कोशिश कर रही हूँ। बाकी शाम
गगरिया में घर धरिया, गगरी में धरी आऊं, चुनरी पहरी आऊं, गगरी में धरी गगरी में घर धरियाऊं, गगरी में धरी आऊं, गगरी गगरी में धरी आऊं, चुनरी पहरी करे आऊं सोलाहूं से करे आऊं सिंगार रे ठाड़े रहो बाके शाम, ठाड़े रहो बा
के श्याम काढ़े रहूबा के श्याम काढ़े रहूबा के ठाड़े रहूबा के ठाड़े रहूबा के श्याम।